नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विचार्स। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ओपन है लैटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड का। टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली। देखिए, स्टॉक का प्राइस लिस्ट होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड को फॉलो किया था एंड बॉटम के आसपास प्राइस देखिए यहाँ पे बेस फॉर्मेशन किया था। दोनों ब्लू लाइन के ऊपर फोकस कीजिएगा। आफ्टर स्ट्रॉन्ग अकुमुलेशन जैसे इसी रेंज को ब्रेकआउट किया था, यहाँ पे हम एनालिसिस किए थे कि स्टॉक का प्राइस आउट परफॉर्म कर सकता है एंड एग्जैक्टली आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन प्राइस यहाँ पे ऑफ ट्रेंड को एस्टेब्लिश किया है एंड जो रेड लाइन जा रहा है ना, ये हो गया स्टॉक का प्राइस के लिए मोमेंटम लाइन। क्योंकि देखिए, स्टॉक का प्राइस जब भी इस रेड लाइन को टेस्ट कर रहा है, प्राइस को यहाँ पे मल्टीपल टाइम डिमांड मिला है एंड एग्जैक्टली देखिए प्राइस यहाँ पे उसका मोमेंटम लाइन के आसपास वीकली टाइम फ्रेम में एक हैमर क्रिएट कर रहा है। अगर इस स्टॉक का प्राइस आने वाले टाइम में इस हैमर का हाई देखिए चार्ट ओपन हुआ है वीकली, वीकली कैंडल काल क्लोज होगा। अगर काल यहाँ पे प्राइस हैमर क्रिएट कर लेता है एंड हैमर का हाई को मंडे या ट्यूजडे ब्रेकआउट कर लेता है उसका हाई को, उसके बाद जाकर हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा। उसी केस में स्टॉक का प्राइस आउट परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट टारगेट बनेगा 572 और 572 को ब्रेकआउट करने के बाद बनेगा 740। इस दोनों टारगेट को टेस्ट कर सकता है। प्राइस देखिए उसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास है। नो डाउट अगर आपके पास है, आपको होल्ड करना चाहे, अगर फ्रेश एंट्री करना चाह रहे, एक बार इस वीक का क्लोजिंग होने दीजिएगा। अगर यहाँ पे कल फ्राइडे जो लास्ट ट्रेडिंग डे इस वीक का है, यहाँ पे प्राइस हैमर क्रिएट कर लेता है जिस टाइप का हमारे यहाँ पे क्रिएट किया है एंड नेक्स्ट वीक में मंडे या ट्यूजडे उसका हाई को ब्रेकआउट कर लेता है, इसमें अपसाइड की तरफ मोमेंटम आएगा एंड इसे हैमर का लो के नीचे बनेगा स्टॉप लॉस। बहुत एक स्ट्रॉन्ग सेटअप एंड लो रिस्क जोन में बन रहा है इंपोर्टेंट सपोर्ट के आसपास, बस इस हैमर को कंप्लीट होने दीजिएगा। क्योंकि जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, एक रिवर्सल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड हमेशा से सपोर्ट के आसपास अगर इस कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है एंड उसका हाई को ब्रेकआउट कर लेता है, आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म कर सकता है। जैसे ही ट्रिगर बनेगा नेक्स्ट मंडे या ट्यूजडे, वहां पे फिर से हम एक अपडेट वीडियो आप ले आऊंगा। आप यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स देखेंगे, सेल्स का ग्रोथ लगभग फ्लैट है और नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है, जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस यहाँ पे करेक्शन कर रहा है, लेकिन इंपोर्टेंट सपोर्ट के आसपास आ गया है। अगर हैमर कैंडल यहाँ पे बन जाता है वीकली बेसिस के ऊपर, नेक्स्ट मूवमेंट आ सकता है। उसी हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा और खुद का एनालिसिस को वार्ड कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।